तो यार आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आज मैं सच कहूंगा तो शायद बहुत लोगों को लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर फिर भी मैं वही सच बोलूंगा जो एक्चुअल में सच है और इस मूवी में दिखाया भी गया है। तो द कश्मीर जेनोसाइड, 1990 कश्मीरी इंसिडेंट या कश्मीरी पंडित मास किलिंग, चाहे जो भी कह लो, वो रात हिस्ट्री की एक ऐसी रात थी जिसकी कभी सुबह ही नहीं हुई। और द कश्मीर फाइल्स मूवी जो मल्टीपल डिबेट्स, पेटिशंस, कॉन्ट्रोवर्सीज और सेंसर कट्स को क्रॉस करते हुए फाइनली आज बड़े पर्दे पर पूरी दुनिया को वो सच दिखाने आ गई है, जिसे फेस करने वाले लोग उसे सोच के भी कांप जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ 11 मार्च यानी आज ही के दिन रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स मूवी का, जो एक रियल जेनोसाइड इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। ये वीडियो मैंने मल्टीपल फैक्ट्स और आर्टिकल्स को स्टडी करने के बाद बनाया है, ताकि इसे देखने के बाद आप खुद ही ये डिसीजन ले सकें कि क्या उस साथ होने वाला जेनोसाइड जस्टिफाई किया जा सकता है, क्योंकि इंटरनेट में बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस पर मल्टीपल जोक्स बनाते हैं और ह्यूमैनिटी वर्सेस टेररिज्म की इस लड़ाई को खींच के रिलीजन की लड़ाई पर ले जाते हैं। पर आप मेरी ये बात याद रखना कि ये मूवी अपने आप में ही यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी का बहुत बड़ा एग्जांपल है। कैसे, ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। तो और देरी किए बिना अब ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो द कश्मीर फाइल्स मूवी एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर होकर बनाई गई है, जो है कश्मीरी पंडित जेनोसाइड के बारे में। मूवी को विवेक अग्निहोत्री जी ने डायरेक्ट किया है और काफी लंबे डिबेट्स और पेटिशन को क्रॉस करने के बाद फाइनली मूवी एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन बनके हमारे सामने आई है। मूवी के शुरू के 5 मिनट ही आपको उस खौफ का एहसास दिला देंगे जो कश्मीर के सभी हिंदू उस टाइम फेस कर रहे थे, और ये सही में गूज़बम्प मोमेंट था। मूवी में दिखाए जाने वाले इंसिडेंट्स और न्यूज एक्चुअल किलिंग का रिफ्लेक्शन है, जहां टीवी पे बेनजीर भुट्टो का दिखाया जाने वाला भाषण किस तरह सभी कश्मीरी मुस्लिम को भड़काने में आग में घी का काम कर रहा था, और फिर सभी बच्चे, औरतें और यहां तक बूढ़े भी हथियार उठा लेते हैं और फिर एक एक करके सभी कश्मीरी मुस्लिम्स ने पहले तो नारे लगाना शुरू किया, जैसे आजादी आजादी, फ्री कश्मीर, और फिर धीरे धीरे सभी इंडियन लीडर्स को मारना शुरू किया, जिसमें जस्टिस गुंजू भी थे। मूवी में जेएनयू को एएनयू से मेंशन किया गया है, और सबसे पहली पब्लिक टॉक एक्चुअल में होने वाली एक नारेबाजी का रिफ्लेक्शन था, जहां जेएनयू के सभी स्टूडेंट्स से मिलके भारत टेरे टुकड़े होंगे और अफजल हम शर्मिंदा है जैसे नारे लगाए थे। साथ ही साथ मैं इस बात की तारीफ करना चाहूंगा कि शायद ही कोई मोमेंट ऐसा रहा होगा जब ये मूवी स्लो पड़ी होगी, हर सेकंड आपको उन मोमेंट्स को फील कराएगा और उनसे बांध के रखेगा। साथ ही साथ आप में इस बात का डर भी रहेगा कि ना जाने अगले शॉट में कौन सा हैश मोमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। छोटे बच्चे, औरतें या बूढ़े, सभी के हाथों में बस गन और हर तरफ बस खून। सिर्फ एक रात नहीं बल्कि कई दिनों तक चले उन बुरे हालातों का एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन कास्टिंग की जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। और मैं फिर वही बात कहूंगा कि मूवी में मैक्सिमम कैरेक्टर्स कोई बहुत फेमस पर्सनैलिटी नहीं है, पर फिर भी उनका कंट्रीब्यूशन और परफॉर्मेंस किसी भी बड़े ओवरली ओवररेटेड फालतू एक्टर से कहीं ज्यादा बढ़ के है। मूवी में दिखाए जाने वाले लोकेशन बहुत ही परफेक्टली शूट करे गए हैं और क्राउड वर्क भी बहुत ही सटीकता से मैनेज किया गया है, जो कि इस टाइप की मूवीज में काफी टफ चैलेंज होता है। पूरी मूवी कम्प्लीटली डार्क टोन पे बनाई गई है, जिससे आप उन भयानक इंसिडेंट्स की रात को एक ही जगह बैठे बैठे मानो फील कर रहे हो। अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो एक दो या तीन कैरेक्टर्स की तारीफ करने से इस बार काम नहीं चलेगा। जहां बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स बिना बात की फालतू मूवीज पे काम करते हैं या डिबेटेबल स्टेटमेंट्स देते हैं, पर ऐसे अहम मुद्दों पर वो बात करने तक नहीं आते, वहाँ बॉलीवुड से निकल निकल के कई छोटे, कम फेमस और पुराने लेजेंडरी एक्टर्स इस मूवी को सक्सेसफुल बनाने के लिए सामने आए, और सभी का काम इतना बढ़िया है कि तारीफ करते करते आप थकेंगे नहीं। और इस बात के तो और भी चांसेस है कि मूवी एक क्लाइमेक्स आने तक आप दो तीन बार रो भी दें। इस मूवी में जगह जगह आपको कश्मीरी एक्शन डायलॉग्स और कश्मीरी सॉन्ग भी सुनने को मिलेंगे, जो इसे सक्सेसफुली ओरिजिनल कश्मीरी टच दे रहे हैं। मल्टीपल हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स के डिस्कशन से उस टाइम की एक्चुअल पॉलिटिकल और नेशनल कंडीशन बताई जाएंगी, और साथ ही साथ माइंड मैनिपुलेशन गेम से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जिसका आज की जनरेशन बहुत बड़ा शिकार हो चुकी है। कम शब्दों में कहें तो ये मूवी एक करारा तमाचा है पूरे बॉलीवुड और कुछ भद्दे पॉलिटिशियंस के मुंह पे, और दूसरी तरफ एक परफेक्ट जस्टिस है उन कश्मीरी पंडितों के साथ, जिन्हें रात के अंधेरे में ना सिर्फ अपना घर बल्कि अपना शहर भी छोड़ना पड़ा, और जो बच गए उनके साथ रेप, मर्डर या शायद ही कोई ऐसा क्राइम बचा होगा जो ना हुआ हो। हालांकि इस टॉपिक पे पहले भी एक मूवी बनी थी, पर सच कहूं यार तो मूवी मजाक या एक भद्दा मजाक से कम नहीं थी। अब अगर कुछ हल्के फैक्ट्स की बात कर लें तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग ये क्लेम करते हैं कि द कश्मीर फाइल्स एक झूठ है और ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था, तो उन्हें इंटरनेट शायद यूज करना आना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले कुछ वीक से मल्टीपल आर्टिकल, न्यूज और इंटरव्यूज स्टडी किए हैं, जहां तक कुछ ऐसे लोग के इंटरव्यूज देखे हैं जो दोनों ही तरह की कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। पर मैं ये भी जानता हूं कि अपोज करने वाले लोग वही होंगे जिन्हें आंखें बंद करके सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स पे जस्टिस मांगने की आदत हो चुकी है, क्योंकि ये फिल्म
खुद ही में यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी का बहुत बड़ा एग्जांपल है, क्योंकि मूवी के कास्ट ने खुद ही चीज रिवील करी कि इस मूवी में मल्टीपल प्लेसेस पे हिंदू कैरेक्टर्स का रोल एक्सीडेंटली मुस्लिम रिलीजन के एक्टर्स ने प्ले किया है और मुस्लिम कैरेक्टर्स का रोल एक्चुअल हिंदू रिलीजन के एक्टर्स ने प्ले किया है। तो यार इससे बड़ा क्या ही एग्जांपल चाहिए। और बात हो जब टेररिज्म से लड़ने की, तो सच्चे पीस लवर्स कम्युनिटी नहीं बल्कि जस्टिस और कंट्री देखते हैं। इस मूवी को एक हेटेड बताते हुए यूपीए कुछ लोगों ने पेटिशन भी डाला था, पर फिलहाल कोर्ट ने उसे डिनाई कर दिया। पर फिर भी मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि क्यों कुछ मूवीज लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करती, पर कुछ रियल इंसिडेंट पे बनी मूवी करती है। इस बात का जवाब शायद थोड़ा डिप्लोमेटिक हो सकता है, पर फिलहाल ध्यान देने वाली बात यह है कि द कश्मीर फाइल्स मूवी ने सारे फैक्ट्स और रियलिटी हमारे सामने लाके खड़े कर दिए हैं। मूवी में फैक्ट्स और स्टोरी के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करी गई है, जैसे कि रीसेंट गंगूबाई काठियावाड़ी में हुई थी। इस मूवी में मल्टीपल जगह रियल लाइफ के लोगों की रियल एक्टिविटीज को कॉपी करके बनाया गया है। जैसे मूवी का ये कैरेक्टर जिसका नाम बिट्टा होता है और इसका इंटरव्यू एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। मूवी में छोटे छोटे बच्चों के हाथ में हथियार देख के आप ये सोच भी नहीं पाएंगे कि आखिर उस वक्त का हाल क्या रहा होगा, जब जन्नत माने जाने वाली कश्मीर की वादियाँ सिर्फ मासूमों की चीखों से गूंज रही थीं और खून से लाल थीं। और उसके बाद भी पिछले 30 सालों में बड़े बड़े मुद्दों पर मल्टीपल डिबेट्स हुई जो शायद सेंस भी नहीं बनाती थी, पर ऐसे एक अहम मुद्दे को जानबूझ के इतना दबाया गया कि आज जब कई लोग उससे रूबरू हुए तो उनका दिल और दिमाग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि वो रात आखिर कैसी रही होगी। और एक लास्ट बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि पूरी मूवी भले आपको कुछ फील ना करा पाए, पर आखिरी के वो 15 मिनट आपको उस डर का एहसास दिला देंगे और कुछ ऐसे कड़वे सच से आपको रूबरू कराएंगे जिसे देखने के बाद आपका दिल और दिमाग सुन पड़ सकते हैं। वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनसे आज तक के पूरा भारत देश अनजान था। बाकी यार मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं ऐसी कोई बात ना करूं जो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, क्योंकि ये टॉपिक किसी कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करता बल्कि पाकिस्तानी टेररिस्ट वर्सेज ह्यूमैनिटी को दर्शाता है। चाहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो, 26/11 हो, पुलवामा हो या बनारस बॉम्ब ब्लास्ट, इन सभी में गई हुई जानों की कम्युनिटी पूछने का हक एक्चुअल में किसी को भी नहीं है। इसीलिए मैं होप करता हूँ कि आप इतने बड़े जनसाइड को सपोर्ट ना करें और एक इंसान की तरह जो गलत है उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि इस बात को कोई भी झुठला नहीं सकता कि इस मूवी को हर कम्युनिटी के कास्ट एंड क्रू ने मिलकर सक्सेसफुल बनाया है। तो यार अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मूवी जरूर देखना, और अगर देख लिए तो कमेंट में मुझे अपना एक्सपीरियंस और मूवी पे अपने व्यूज जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना। मैं ऐसे ही फैक्ट व्यूज और वीडियोस लाता रहता हूं, तो उन्हें मिस ना करने के लिए मेरे चैनल फिल्म प्रोड्यूसर को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर बजा देना। अब मिलूंगा जल्दी किसी नई अमेजिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।